प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपके सम्मुख अरहर में एक और बीमारी लगती है जिसे आप अरहर का बांझी रोग कहते हैं। और बांझी रोग का असर कितना होता है आपको बताना नहीं है। मुझे तो लगता है जिस खेत में ये बांझी रोग लग जाता है उसमें पूरी की पूरी फसल बांझी हो जाती है। पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं और पूरा खेत जो है उसमें फल फूल नहीं आता है। कभी कभी कुछ पौधों में कुछ फूल दिखाई पड़ते हैं, फल भी बनते हैं, लेकिन उनका जो आकार होता है वो अच्छा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बांझी रोग जो खेत में लग रहा है, अरहर के खेत में, वो किसी आतंक से कम नहीं है। आप उसे देख करके दुखी हो जाते होंगे। पूरे भारतवर्ष और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गंभीरता से ये लगने वाली बीमारी है। इस बीमारी से केवल भारतवर्ष में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से $300 का नुकसान होता है। 70 वर्षों से बीमारी रहस्यमय बनी हुई थी जो सन 2000 में पहचानी गई। ये स्टेरिलिटी मोज़ेक के नाम से जानी जाती है, यानी बंजार रोग के नाम से जानी जाती है। इसके कारण पौधे झाड़ीदार, पत्तियां छोटी, पीला घेरा युक्त मोज़ेक रोग चिन्ह दर्शाता है। एक ही पौधे पर कुछ भाग फूल युक्त होता है जबकि आधा बांझ होता है। किसान भाइयों, इस रोग का कारण PPSMV ये वायरस है। इसका प्रसारण एक जीव होता है माइट, जैसे आप जानते हैं कि पशुओं में अठई लगती है जिसे टिक्स और माइट्स कहते हैं, उसी प्रकार का एक कीड़ा होता है जो इस वायरस को अरहर के खेत में फैलाता है। ये बीज के द्वारा नहीं फैलता, अलग अलग स्थानों पर PPSMV स्ट्रेन अलग अलग होते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनका स्ट्रेन अलग अलग होता है और ये बीमारी पैदा करते हैं। इस वायरस के अलग अलग स्ट्रेन अरहर की अलग अलग जातियों को प्रभावित करते हैं। स्टेरिलिटी मोज़ेक डिसीज़ बहुत से अरहर उगाने वाले क्षेत्रों में एंडेमिक रूप से देखा लगता है, यानी हर साल ये बीमारी थोड़ी बहुत लगती है। एंडेमिक का ये मतलब होता है कि ये बीमारी हर साल किसी क्षेत्र विशेष में थोड़ी बहुत ज़रूर लगती है। महामारी वायरस और रोग वाहक और वातावरण के अनुसार उत्पन्न होती है। रोगी बहुवर्षीय पौधे पर वायरस और वेक्टर जीवित रहते हैं, प्रतिवर्ष बीमारी उत्पन्न करते हैं। बीमारी का सबसे अच्छा रोकथाम का उपाय रेजिस्टेंट वैरायटी को उगाना है। किसान भाइयों, आज के वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रोगरोधी जातियों को बनाने में लगे हुए हैं। बीज शोधन और भूमि शोधन तथा फसल पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पर आधारित कीटनाशी और एक्रिसाइड का छिड़काव करने से रोग वाहक माइट मर जाता है या उनकी संख्या कम हो जाती है, बीमारी का रोकथाम हो जाता है। परंतु इसका उपयोग कम ही करते हैं क्योंकि ये रसायन मनुष्य मात्र के लिए ज़्यादा जहरीला होता है, वातावरण को ये दूषित करता है। बीमार पौधे को किसान भाई उखाड़ के फेंक दें और बीमारी दिखने के बाद 40 दिन के अंदर ही यह कार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा एक दवा है फेनेजाक्विन, इसका घोल बनाकर जैसे ही बीमारी दिखे उसका छिड़काव करें। इस दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोलें, आवश्यकता अनुसार घोल बना लें। यदि आवश्यक हो
तो फिर इस दवा का छिड़काव 15 दिन बाद करें। ऐसा करने से इस फसल में बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है और आपकी फसल बच जाती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अच्छा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको आने वाले दिनों में और भी बीमारियों के बारे में, उसके उपचार के बारे में बताता रहूं और हमारे अन्नदाताओं को अर्थात आप लोगों को बीमारियों से नुकसान न उठाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।